क्रेम 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 ह्रेम 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 होम 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 दक्षिणा काल के क्रेम 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 ह्रेम 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 होम 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 स्वाहा माँ दक्षिणा काल के नम प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं, जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं, साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टुटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधनाओं वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे सुमुखी काली साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। आप जानते हैं दक्षिण काली साधना में सर्वाधिक प्रमुख स्थान तंत्र द्वारा काली को जागृत कर अपनी अभीष्ट सिद्धि हेतु शक्ति प्राप्त करना ही है। इस साधना में सुमुखी साधना सर्वाधिक प्रमुख है और यह एक अत्यंत गोपनीय पराविद्या है। इस साधना को संपन्न कर साधक मूल रूप से कर्म और अकर्म से मुक्त होकर तीव्रतम सिद्धि प्राप्त करता है। वह वास्तव में वाम मार्ग की साधना है। अब बात करते हैं सुमुखी काली जी के सुमुखी स्वरूप के विषय में। रक्त वर्ण के आभूषणों से विभूषित लाल वस्त्र धारण किए, लाल रंग के आलेपन से सुशोभित कमनीय कांति वाली विकसित यौवन, गुज्जाहार से सुशोभित उच्च स्तनों वाली, जिनके दाहिने हाथ में खड्ग तथा बाएं हाथ में नर कपाल हैं और जो सब पर आसीन हैं, ऐसे परम सुंदरी सुमुखी अपने साधकों को सदैव संपत्ति प्रदान करते ही है। यह मोहिनी विद्या की तंत्र साधना है, जिसमें साधक को किसी प्रकार के विशेष आचार विचार की आवश्यकता नहीं है और यह साधना रात्रि समय भोजन करने के पश्चात ही किया जा सकता है। विशेष बात यही है कि सुमुखी साधना में इनकी 16 शक्तियाँ कला, कलानिधि, काली, कमला, क्रिया, कृपा, कुला, कुलीना, कल्याणी, कुमारी, कलाभासिनी, कराला, किशोरी, कमल, कुलभूषण एवं फल पदा का पूजन भी अवश्य किया जाता है और इन शक्तियों से सिद्ध सुमुखी का सौंदर्यमय स्वरूप अत्यंत प्रिय बन साधक को शांत मन से उस साधना की ओर प्रेरित करता है, जिसमें सुमुखी प्रसन्न होकर अपनी शक्तियों के साथ साधक के हृदय में स्थापित होते हैं और ऐसी शक्ति से संचित कर देती हैं। सुमुखी साधना संपन्न किया हुआ साधक ही वास्तव में काली तंत्र की अन्य साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। सुमुखी साधना मूल रूप से संपत्ति साधना है, क्योंकि काली साधना के दूसरे स्वरूपों में संपत्ति के स्थान पर शत्रु, विजय, तीव्रता, संहार इत्यादि पर विशेष जोर दिया गया है, जहां मारण विद्वेषण, उच्चाटन, कीलन हेतु दक्षिणा काली साधना उपयुक्त है, वहीं संपत्ति के लिए दक्षिण काली की सौंदर्यतम स्वरूप सुमुखी की साधना करना ही उपयुक्त है और अनिवार्य है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। इस साधना में मूलतः मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त ताम्र पत्र अंकित सिद्धिदायक सुमुखी यंत्र तथा हरित हकीक संपत्ति माला का आवश्यक है। इसके साथ ही सुमुखी साधना में पूजन केसर मिश्रित चंदन से ही किया जाता है। यह साधना
किसी भी रविवार की रात्रि को प्रारंभ की जा सकती है और पूर्ण विधान में 1,00,000 मंत्र जप आवश्यक हैं। अब यंत्र स्थापना का बात करेंगे। रविवार की रात्रि को साधक लाल वस्त्र पहने, स्वयं को लाल रंग की टीका लगाएं और अपने सामने एक लाल वस्त्र बिछाकर मध्य में सुमुखी महायंत्र का स्थापना करें। सबसे पहले विनियोग, फिर ध्यान, तदंतर गुरु पूजन और सुमुखी मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी को अर्घ्य, आचमन, नैवेद्य का अर्पण करें। अब विनियोग का मंत्र कौन सा है? विनियोग मंत्र है ओम अस्य सुमुखी मंत्रस्य भैरव ऋषि गायत्री छंद सुमुखी देवता मम भीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः। अब यंत्र के प्रथम आवरण पूजन को संपन्न करते हैं। यंत्र मध्य में सुमुखी देवी का ध्यान देकर केसर से बिंदी लगाएं तथा उस पर लाल रंग से रंगे हुए अक्षत अर्पण करें। इसके पश्चात सिंदूर के 5 बिंदी लगाकर देवी का पंच पत्नी की शक्तियों का पूजन करें। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्रननाय नमः, ओम चारुमुखाय नमः, ओम चारुकरप्रभाय नमः, ओम चतुराय नमः। यह मंत्र बोलते हुए पूजन करें तथा पुष्पांजलि अर्पित करें। अब द्वितीय आवरण पूजन। यंत्र में शक्तियों जैसे ओम कलाय नमः, ओम कला निधाय नमः, ओम काल्याय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम कृपाय नमः, ओम कुलाय नमः, ओम कुलिनाय नमः, ओम कल्याणे नमः, ओम कुमार्य नमः, ओम कलाभासिन्याय नमः, ओम करालाय नमः, ओम किशोर्याय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कुलभूषणाय नमः, ओम फलदाय नमः। इनका पूजन करें तथा पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके पश्चात 10 दिक्पालों का पूजन कर मूल मंत्र एवं अभीष्ट सिद्धि की प्रार्थना कर पुष्पांजलि अर्पित करें। इस प्रकार आवरण पूजा कर देवी के मूल मंत्र का जाप को प्रारंभ करें। यहाँ विशेष बात यह है कि पूजा के प्रारंभ में देवी को जो नैवेद्य अर्पित किया था उसे खाकर बिना आचमन कुल्हा इत्यादि किए उच्छिष्ट मुख से ही मूल मंत्र का जाप करना आवश्यक है। इस बात का आप तुरंत ध्यान रखें और जो मंत्र का जाप करना है वो मंत्र है उच्छिष्ट चांडालिनी सुमुखी देवी महापिशाचिनी ह्रीम ठह ठह ठह। इस मंत्र का आपको जाप करना है। साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रतिदिन पूजन करते हुए कुल 10,000 मंत्रों का जाप अवश्य करें। इससे देवी प्रसन्न होकर उसे आर्थिक अनुकूलता प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रयोग भी हैं। इस साधना में मंत्र जाप के पश्चात उसका दशांश हवन करने से अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए मधु सहित बेर के पुष्प से हवन करने से भाग्यहन स्त्री सौभाग्यवती होती हैं। मधु शहद घी एवं पान के हवन से श्री वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी का आगमन किसी न किसी रूप से अवश्य होता है। अगर घी मिलाकर बेल पत्रों की 1,000 आहुति प्रतिदिन देते हैं तो 1 माह में संतानहीन स्त्री संतान प्राप्त करता ही है। इस प्रकार महाकाली साधना क्रम में यह साधना विशेष सौम्य, शांत एवं गृहस्थ व्यक्तियों के लिए तत्क्षण फल प्रदाता साधना है। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा, साथ में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि
हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण काल के क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण काल के नम प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।